हरिहंतारं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसामं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचिते पूरे जिनाग में जीव के बारे में चार प्रकार से चर्चा आती है। अपन एट ए ग्लांस पूरे जिनाग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जिनाग में मुख्यतः द्रव्यांगों की मुख्यतः समझ लीजिए, उसमें जीव द्रव्य, जीव अस्थिकार, जीव पदार्थ और जीव तत्व की चर्चा आए। बहुत सारी चर्चाएं अपन ने की हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गरिष्ठ चर्चा है सुबह जिसको छोड़ा था, अगला पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने, अभी अपन उस 10वें नंबर की शंका को देखेंगे। जिन्हें हमने पहले दिन व्हाट्सएप कराई है नोट्स, वो उसको डिलीट कर लें और आज आपको नया जो अपडेट मैं अभी फाइनल अपडेट करूंगा और वो दूंगा, तो वो आप तक प्रसारित हो जाएगी व्हाट्सएप पर या जैसे भी, तो आप उसे पढ़िएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ और तत्व ये जिनागम में स्पष्ट नहीं बोलते कि ये पदार्थ की चर्चा है और ये तत्व की चर्चा है, स्पष्ट नहीं बोलते, लेकिन इशारा मिलता है। नव तत्व भी कह देते हैं। पदार्थ के नाम पर बहुत कम चर्चा मिलती है। सात तत्व और नौ पदार्थ, तो नौ पदार्थ को भी नौ तत्व कह देते हैं। इसीलिए स्वाध्याय करने पर भी हम तत्व और पदार्थ में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं तो उन परिभाषाओं से हम छांट सकते हैं कि कहां पदार्थ की चर्चा है और कहां पर
तत्व की चर्चा है। उस आधार पर थोड़ी मेहनत करके ये चार्ट अपन ने बनाया है, बहुत प्रयोजनभूत है, इस तरह से अपना उपयोग इसमें लगाने लायक है। तो एक प्रश्न देखिए दसवां, सर्वत्र जीव पदार्थ एवं जीव तत्व में अंतर की भाषा ही बोली जाती है क्या? मैंने आप जब पढ़ाई होगी ना तो ये प्रश्न कर सकते हो, तो आपकी ओर से ये प्रश्न है। इसमें ट्रोडमल जी साहब ने कहा है, वक्ता कैसा होना चाहिए कि विषय सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में जो प्रश्न उत्पन्न होंगे उसे वो पहले ही समझ जाए। तो उसी शैली का अनुसंधान में ये चर्चा है। तो प्रश्न समझ आ गया आपको? सबको फिर से बोलता हूँ, क्या जिनवाणी में सर्वत्र जीव पदार्थ और जीव तत्व की अंतर की भाषा बोली जाती है? क्या अलग अलग बोला जाता है? बहुत खतरनाक प्रश्न है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पॉइंट पर है। मुझे कई विद्वानों ने कहा भी कि आप काय के चक्कर में पड़े हो, तत्व और पदार्थ दोनों एक ही है। लेकिन मैंने कहा यदि एक ही है तो फिर द्रव क्षेत्र काल भाव से जो द्रव का परिचय दिया जाता है तो उसका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कुछ तो होना चाहिए। एक बार फिर आइडेंटिफिकेशन है तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। यदि पदार्थ और तत्व कहा तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। द्रव संग्रह जी में भी नव पदार्थ की चर्चा है, वहां पदार्थ की चर्चा है। द्रव संग्रह ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे तो मूल में जितनी गाथाएं हैं वो द्रव्य पोषक है, लेकिन ब्रह्मदेव सूरी ने जो टीका लिखी है वो तत्व पोषक है। कुछ समझ आया? मैंने क्या कहा, गाथाएं हैं द्रव्य पोषक और टीका ने कमाल कर दिया। बृहद द्रव संग्रह जो टीका कहलाती है, बृहद द्रव संग्रह टीका, वो अद्भुत है। जैसे हम समय सार जी के कारण आचार्य अमृतचंद स्वामी को याद करते हैं, ब्रह्मदेव सूरी दो टीका करने से अमर हो गए। यदि आपने बृहद द्रव संग्रह की टीका नहीं पढ़ी, ब्रह्मदेव सूरी की और परमात्म प्रकाश की टीका नहीं पढ़ी, तो समझिए आप ब्रह्मदेव सूरी को पहचान नहीं सकते। हालांकि इतना मैं नाम ले रहा हूँ उनका और कह रहा हूँ तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ऐसी क्या विशेषता है उसमें। तो मैं उसकी एक विशेषता का सैंपल दिखाता हूँ, आप घर जाके ये दो ग्रंथ देखना। उन्होंने जितनी परिभाषाएं लिखी हैं वो शुद्धात्मा से स्टार्ट करी। जितनी परिभाषा आपको यदि परिभाषाएं देखना है तो बृहद द्रव संग्रह की टीका में देखो। जैसे मैं आपसे कहूं आप नरक की परिभाषा बनाओ तो वो शुद्धात्मा से कैसे स्टार्ट होगी बताओ, कैसे हो जाएगी? आप कसाई की परिभाषा बोलो, लोभ की परिभाषा बनाओ तो वो शुद्धात्मा से कैसे स्टार्ट होगी? मतलब कितना कठिन काम होगा एक प्रकार से। उन्होंने जितनी परिभाषाएं बनाई तो उन्होंने कैसे लिखी परिभाषा बताता। हालांकि ये भाषा मेरी कमजोर है, मेरी भाषा बहुत कमजोर है, लेकिन इससे असंख्यात गुनी अच्छी भाषा वहाँ है, वो आप मूल में पढ़ लेना। उन्होंने क्या लिखा, नित्य निरंजन शुद्धात्म स्वरूप के अभिमुख रहने वाली परिणति से उत्पन्न होने वाला जो अतीन्द्रिय आनंद है, काय का वर्णन चल रहा है, नरक का। यहां तक लिख दिया, अब मानो क्या लिखते हैं, अतीन्द्रिय अनुभूति लक्षण है जिसे उससे विलक्षण दुखमयी नरक है। देखो नरक की परिभाषा कैसी लगी, इधर से स्टार्ट करके। नरक में कैसा दुख है, स्वर्ग में कैसा दुख है कि अतीन्द्रिय आत्मा के आशय से उत्पन्न हुआ जो आनंद है उससे विलक्षण, विलक्षण माने विरुद्ध लक्षण वाला जो दुखमयी है। फिर वो जो लिखना वो लिख दिया उन्होंने। ऐसे कसाई की परिभाषा बहुत लंबी,
नित्य समाधि युक्त भगवान आत्मा के आलम्बन से उत्पन्न हुई जो अतीन्द्रिय आनंद की शांति है, उससे विरुद्ध लक्षण वाली कसाय का नाम क्रोध। ऐसी परिभाषा लिखने की स्टाइल है। बात समझ में आ रही? तो अब ब्रह्मदेव सूर्य की टीका पढ़ोगे आप लोग, बहुत जोरदार है, पढ़ने जैसी टीका है। मेरी तो इच्छा होती है उसके बाद यदि मेरे प्रवचन बंद हो जाए ना 2-4 साल, तो मैं केवल परिभाषा लिखूं उनके पैटर्न में। ये काम करने जैसा, जिसे आनंद लेना हो तो करना चाहिए ऐसे काम। मेरा तो यही मूड है, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, चाहे एक दिन भी प्रवचन नहीं हो और कोई मेरे को बंद कर दे एक तरफ, बस ग्रंथ दे दे तो मैं इसी पैटर्न पे मजे करता रहूंगा। बार कदम एक दृष्टांत देखे आगे बढ़ाता हूँ बात। आपको पता है स्त्री का सर्वस्व पति होता है, ये तो आपको मालूम ही, स्त्री का सर्वस्व पति होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन इसमें एक बहुत क्वालिटी की बात बतानी है कि स्त्री के संबंध में जितनी परिभाषाएं स्टार्ट होती हैं वो पति से स्टार्ट होती है। नहीं समझ में आया? स्त्री संबंधी जितनी परिभाषाएं बनती हैं वो पति से स्टार्ट होती है। जैसे परिभाषाएं आप बताओगे ना, मैं बताऊंगा कौन सी परिभाषा बतानी है, बताओगे? बोलो भाई ननन की परिभाषा क्या है, ननन समझते हैं? बोलो ननन की परिभाषा क्या है, देखो आगे। बोलो भाई सासूबा की परिभाषा बोलो। बोलो पति की माँ, देखो पति से स्टार्ट हुई। ससुराल की परिभाषा बोलो, पति का घर, देखो। अब दुश्मन की परिभाषा बोलो, दुश्मन उसी स्त्री की दुश्मन की परिभाषा बोलो जो पति का दुश्मन। आ गया, अब तो समझ आ गया, ब्रह्मदेव सूर्य की टीका समझ आई? जो शुद्धात्मा का पोषक है वो परिभाषा शुद्धात्मा से स्टार्ट होगी, और शुद्धात्मा के विरुद्ध भाव है क्रोध मान माया लोभ चार कर्म वगैरह, जो 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 आप कल्पना नहीं कर सकते। पोतगल की परिभाषा विलक्षण है, वहां आप देखना सर, बड़ा मजा। ये रिसर्च करने जैसे सब्जेक्ट है, रिसर्च माने दूसरों को बताने के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए। आप देखो कितनी सुंदर परिभाषा है, और मैंने बता दिया कोई ना कोई करेगा ये काम। क्योंकि ये बात आजकल फैल जाती है, बच्चे करना चाहते हैं ये काम, ये अच्छी बात है। मैं तो एक बात है, आप में से कोई बोर हो रहा हो ना तो मुझसे मिल लेना, जिसका टाइम पास नहीं होता हो, अकेले में परेशान हो रहा हो, मेरे से मिल लेते, मैं आपको होमवर्क दे दूँ। जिंदगी भर मजा करो, इतना गजब है। चलो अपन पढ़ते। सर्वत्र जीव पदार्थ और जीव तत्व में अंतर की भाषा ही बोली जाती है क्या? समाधान नहीं, एक दूसरे में। अब देखो जिनमणि की एक शैली है, जिनमणि की दो शैलियां हैं, मुख्य और गौण, सूक्ष्म और स्थूल। क्या क्या बोला मैंने? मुख्य और गौण, सूक्ष्म और स्थूल। तो जब कभी हमें सूक्ष्म बात कहनी होती है तो हम तत्व कहते हैं, और जब स्थूल शैली अपनाना होती है तो हम पदार्थ कह देते हैं। ऐसे जब बड़े विद्वान मिलते हैं तो तत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन जब स्थूल बुद्धि वाले मिलते हैं तो उनसे पदार्थ की चर्चा करते हैं, मुख्य और गौण। आप यदि इतनी सूक्ष्म चर्चा जो पहली बार स्वाध्याय सुन रहे हो, खासतौर से गाँव के हों जिन्होंने कभी समय सार जी नहीं पढ़ा हो, तो मैं तत्व की चर्चा नहीं कर पाऊंगा उनके बीच, तब मैं पदार्थ की चर्चा करूंगा। देखो मोक्ष कितना आनंदमयी है जब उसका परिणमन होता है, देखो सम्यक दर्शन का परिणमन होता है, देखो ऐसे मतलब उसको ऐसे समझाना पड़ेगा, देखो तुम्हारा दुख का परिणमन हो रहा है आश्रम बंद, तो उसे वो परिणमन से जल्दी पकड़ में आ जाता है, दुख का परिणमन है या आश्रम बंद है, और ये अरहत सिद्ध भगवान सुखी है, इनका सुख का परिणमन है, उसे परिणमन तो समझ में आ जाता है। लेकिन यदि कल्पना करो, थोड़े देर कल्पना करो कि सड़क पर कोई खड़ा हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा, और अपन उससे बोले आ हा 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 तमे तो त्रिकाली ज्ञायक छो, आ क्रोध नहीं पर्याय ने तमे अड़तो ज नथी, इस क्रोध के करता खरे खर तुम हो ही नहीं, तो उसे क्या पलने पड़ेगा बोला।
क्या क्या पलने पड़ेगा। आप तो समझ आए ना, यानी स्थूल बुद्धि वाले जीवों को पदार्थ की तरह से चर्चा करते हैं, उसे जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन तत्व थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था सबसे सूक्ष्म चर्चा है तत्व की। मुझे कुछ कहना है, पहले दिन भी मैंने कुछ कहा था पहले उसमें, और अभी एक बार फिर याद दिलाना है मुझे। आप लोग तत्व को यदि स्थूल समझ रहे हो तो धोखे में हो, और मैं 99% के बारे में दावे से कहता हूँ कि आप तत्व के नाम पर पदार्थ की चर्चा करते हो। बोलते तो है तत्व चर्चा, लेकिन तत्व चर्चा आपके पकड़ में नहीं आ रही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आप सबसे, इसलिए तत्व और पदार्थ के बीच का अंतर आपको थोड़ी मेहनत करके समझना चाहिए। जब जब भी आप सुख की आशा करते हो या दुख से भयभीत होते हो तो आप पदार्थ की चर्चा कर रहे हो, आप तत्व की चर्चा नहीं कर रहे। तत्व तो अब इसमें बहुत सारे कलश आए तत्व के, तो बहुत सुंदर नियम साजी कलश है, यदि समय रहेगा तो मैं थोड़े प्रयोग करके बताऊंगा आपको। तत्व को जानने वाले को सही बात कहूँ, एक प्रश्न चलो बीच में ले ही आता हूँ, फिर भूल गया तो रह ही जाएगी वो चर्चा। अभी भी सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्या पंडित जी हम तत्व को जानेंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा हाँ हो जाओगे। तत्व चीज ही ऐसी है, आप तत्व को समझो और ना निर्विकल्प हो जाओ तो बोल देना मुझे। यदि आप निर्विकल्प नहीं हो रहे हो तो आप पदार्थ में भटक रहे हो। कुछ कहा मैंने धीरे धीरे, पकड़ना जैसी बात है, समझ जाओ। देखो एक बात बताओ, आपको पता है विकल्प दो तरह के होते हैं, एक दर्शन मोहनी संबंधी विकल्प, एक चारित मोहनी संबंधी विकल्प। थोड़ी सूक्ष्म बात है पकड़ो। विकल्प कितने प्रकार के होता है, एक दर्शन मोहिनी संबंधी विकल्प, एक चारित मोहिनी संबंधी विकल्प। दोनों का अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी मेरी चर्चा चल रही है ये निर्विकल्प 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 कहता हूँ मैं बार बार आपको, निर्विकल्प आत्मानुभूति, निर्विकल्प स्वानुभूति, वो दर्शन मोह संबंधी निर्विकल्प होते हो आप, और आप ट्रेस करते हो पदार्थ में जाकर के चारित मोह संबंधी, तो आप कभी हमसे ट्रेस नहीं कर पाओगे। स्वामी जी का जितना निर्विकल्प के मामले में प्रवचन है कि निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प हो जाता है, वो दर्शन मोहनी संबंधी चर्चा है। जितनी हम इस तत्व की चर्चा करते हैं उसमें दर्शन मोह समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ दृष्टांत दे करके, थोड़े दृष्टांत देता हूँ इसमें मेहनत करके। सुनना सभी लोग, दर्शन मोह मतलब श्रद्धा संबंधी विकल्प, औचारिक मोह मतलब अस्थिरता का विकल्प। पॉइंट पकड़ो, अस्थिरता के विकल्प को द्रव्यान योग में विकल्प नहीं कहते। जिसका अनंतानुबंधी मिटा उसका संसार मिटा, अध्यात्म की ऐसी शैली है, उसका संसार है हमें दिखता ही नहीं ऐसा। जिसका अनंतानुबंधी गया, जैसे आपने पढ़ा होगा समय सारी परमागम की टीकाओं में, वहां भी कहते हैं सम्यक दृष्टि को आश्रय बंद ही नहीं होता। तो अब जी कैसे कह सकते हो आप बंद नहीं होता, बंद छूता नहीं, कैसे कहते हो आप कि वो दर्शन मोह संबंधी। इतनी बात समझ में आई आपको, मैं सरल दृष्टांत दूं तो जरा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी दर्शन मोह चारित मोह में थोड़ी गफलत है। दूं दृष्टांत की नहीं दूं, नींद तो नहीं आ रही। अच्छा सभी रेडी, सुनना थोड़ा है, बहुत सरल दृष्टांत दूंगा आपको। श्रद्धा की विपरीतता और चारित की विपरीतता, चारित की विपरीतता होती है पूर्व कर्म के उदय के बाहुल्य से, वहाँ उपयोग अटकता है, ऐसे विकल्प आता है, लेकिन श्रद्धा तत्काल मिट जाए, श्रद्धा संबंधी आकुलता तत्काल मिट जाती है 100%। सम्यक दर्शन नाम ही इसका है कि श्रद्धा संबंधी मिट जाती। कैसे, इसके दृष्टांत देता हूँ। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति दोनों ही सिगरेट पीते हैं, आपको बताना कि दोनों में से सिगरेट किसकी छूटेगी। दोनों में से एक को सिगरेट पीते समय सिगरेट बुरी लग रही है, उसको श्रद्धा में ये है कि ये कहाँ से मेरे मुंह पड़ गई, कहाँ पीने लगा, ये भगवान कैसे छूटेगी, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मन उसकी श्रद्धा में नक्की हो चुका है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, फिर भी पी रहा है, और दूसरा सिगरेट में मजा मान के पी रहा है। आप बता सकते हो दोनों में से किसकी सिगरेट पीने की प्रवृत्ति छूटेगी।
क्यों पहले वाले क्यों छूट जाएगी, वो तो पी रहे हैं दोनों, दोनों की फोटो देख लो आप एक सी आएगी, दोनों की वीडियो बनेगी तो एक सी आएगी। भाई इतना फर्क आ गया, ये एक इसके दर्शन संबंधी छूट गया, श्रद्धा संबंधी छूट गया, इसको श्रद्धा में इसकी सुख नहीं है तो एक दिन छूट जाएगी। पकड़ना सभी लोग, आप जो विकल्प पकड़ते हो ना विकल्प, श्रद्धा संबंधी विकल्प पकड़ो, आप चारित्र संबंधी विकल्प मत पकड़ो। भूख लगेगी तो रोटी खाने का विकल्प आएगा, ज्ञान का अनुभव करोगे तो भी आएगा, ज्ञान का अनुभव कर लोगे तो भी शादी करने का विकल्प आएगा, ये अनंतानुबंधी विकल्प नहीं कहलाएगा। शादी में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, पर में सुख नहीं है, ये श्रद्धा तो हो गई, श्रद्धा तो हो गई, लेकिन चारित मोह के उदय में शादी करता हुआ दिखाई देगा, व्यापार करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा होने पर भी उसे अंदर अंदर उसके प्रति, एक दिन मैंने बोला था निंदा और ग्रह, वो अंदर अंदर निंदा ग्रह करता है, एक ही दृष्टांत बहुत है कि और देनी पड़ेगी। ऐसे यहां पर भी है, आपको पर में सुख नहीं लगता है, ये दर्शन मोह चला गया। अब नहीं लगता का मतलब सुख बुद्धि टूटी है, लेकिन लेकिन वो अब वही सिगरेट का दृष्टांत है कि वो सिगरेट छोड़ना भी चाहता है लेकिन तलब हैरान करती है, वो तलब हैरान, तलब तो समझती सब, तलब हैरान करती माने अस्थिरता, लेकिन उसी समय उसको लड़ाई चल रही है, लड़ाई उसी समय उसको अंदर लड़ाई चल रही है, ये भगवान कब छूटेगी, कैसे छूटेगी, छोड़ना है मुझे कैसे छोड़ूं, उसके अंदर अंदर लड़ाई चल रही है। ऐसे ही श्रद्धा की विपरीतता तो छूट गई लेकिन चार की विपरीतता अभी नहीं छूटी। समझ में आ गई आपको सबको बात, हाँ हाँ हाँ, बहुत दृष्टांत इसके लिए। बोलो भाई सिर दर्द हो जाए तो रुमाल बांधना सिर दर्द का इलाज है या नहीं, बोलो नहीं है। सिर दबाना बोलो नहीं है, तो प्रतिज्ञा करो कि जब जब सिर दुखेगा आप रुमाल नहीं बांधेंगे और सिर नहीं दबाएंगे। कि पंडित जी क्या करें जानते हैं इलाज नहीं है तो भी करते हैं, ऐसे यहाँ लगाना, जानते हैं पर में सुख नहीं है, अत्यंत अभाव है, तमाम तमाम सिद्धांत हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उसकी उसका उपयोग वहां जाना रहता नहीं है, तो इस विकल्प को नहीं पकड़ना है। बराबर समझ में आया, जो दृष्टांत मैंने 19 साल पहले भी दिया था यहाँ पर पहली बार आए थे, वो दृष्टांत फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, बहुत सुनना, ध्यान से सुनना रिपीट। दर्शन मोह चारित्र मोह का विकल्प क्या चीज है, जिन वाणी में अस्थिरता के विकल्प को खतरनाक नहीं कहा लेकिन पर में सुख है ना ये खतरनाक है। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ समझाने के लिए ताकि आप पकड़ सकें। एक पिता है, उनकी पुत्री 30-35 साल की हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही है, खरब पति है, एयर कंडीशन बंगला है, बढ़िया बिस्तर है और सोया हुआ है, खा पी करके सोया हुआ है, खाने पीने की नो प्रॉब्लम, एसी की नो प्रॉब्लम और मस्ती से सो रहा है। मैं आपसे पूछूं वो निर्विकल्प है या सविकल्प है, क्यों वो तो मजे से सो रहा है। देखो मजे से सोता हुआ दिखाई देने पर भी अंदर में एक सल है, उसे एक विकल्प है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये दृष्टांत हो गया। अभी इसी पिता का उसकी पुत्री का सगाई हो गई, बारात आने वाली तो सो नहीं सकता, एसी का आनंद नहीं उठा सकता, और मई जून की शादी है और दौड़ धूप कर रहा है, दौड़ धूप, पसीना पसीना हो रहा है, बाल बिखर रहे हैं, शरीर के कपड़े भी अस्त व्यस्त, जैसे समझ में आया कि नहीं आया। बोलो भैया ऐसी कंडीशन में भी वो निर्विकल्प है कि सविकल्प है, अब जी कैसा निर्विकल्प है, वो बार बार कह रहा है सैया अब तो सब विकल्प मिट गए, अब तो हम निर्विकल्प हो गए भैया, ये एक ही छोकरी थी, एक ही दिकरी थी, अब तो हम निर्विकल्प हो गए। पता हुआ ये निर्विकल्प हो गए कि नहीं हो गए, इस दृष्टांत में से पकड़ो,
हाँ, मोक्ष के प्रति हम निर्विकल्प हो गए, प्रभुता के प्रति निर्विकल्प हो गए, आत्मा के प्रति निर्विकल्प हो गए, अब हमें कोई शल नहीं बची। ए लेकिन अभी तो आपके 10-5 भाव बाकी हैं, कहीं चिंता नहीं। ए अभी तो तुम शादी विवाह कर रहे हो 6 खंड, अरे तुम चिंता नहीं कर रहे, अब इसको पढ़ने मन नहीं दिखाई दे रहा, अब इसको पढ़ने मन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, पदार्थ समझ गए, पदार्थ आश्रम बंद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा सर, कोई बात नहीं। बराबर समझ में आया। इस समय राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दो व्यक्ति बहुत संकल्प विकल्प में होंगे, नहीं होंगे, बोले अगला पीएम कौन, दोनों को तलवार लटक रही होगी, बराबर है। अभी चुनाव होंगे, वोट डलेंगे, सब कुछ होगा, और बीजेपी बहुमत के साथ आ गई तो निर्विकल्प कौन हो जाएगा, बोलो कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी कैसे हो जाएगा, अभी तो उसने शपथ नहीं ली, अभी तो समय लगेगा, अभी तो लिस्ट लेके वहाँ जाना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन, फिर वहाँ से वो आमंत्रण देंगे, फिर वो शपथ विधि होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शपथ विधि के बाद वो निर्विकल्प होगा या बहुमत आते ही निर्विकल्प हो जाएगा? आपने देखा होगा कहाँ की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश कहाँ की, 10-15 दिन लग गए शपथ विधि दिलाने में, कितने दिन लग गए थे बीच में, अभी तक चलती रही किसको बनाना। बहुमत आ जाने के बाद भी एक तरफ से तो निर्विकल्प हो गए, भले 2-4-10 दिन लगे तो लग जाए, लेकिन बहुमत आ गया माने ऐसे एक बार श्रद्धा का श्रद्धेय मिल गया तो मोक्ष तो हो ही गया। मोक्ष हो गया मतलब हमें परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, आश्रम बंद नहीं दिखाई दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, मोक्ष की चिंता नहीं, हमें हमारा मोक्ष हो गया। इस दृष्टिकोण से पढ़ना इसको, तो दर्शन मोह आचार्य मोह समझ में आया, थोड़ा सा 3-4 दृष्टांत इसलिए दिए कि नए नए युवाओं को भी बच्चों को भी ये बात समझ में आ जाए। लेकिन पंडित जी मोक्ष तो हुए नहीं, ज्ञायक तो हम, कई लोग ऐसे कहते हैं हमें ज्ञायक तो मिल गया, ज्ञायक का तो भरोसा है, त्रिकाली का तो भरोसा है, लेकिन मोक्ष तो हुए नहीं, सम्यक दर्शन तो हुए नहीं, फला तो हुए नहीं, यह तो पदार्थ की सोच रहा है, तुम पदार्थ की सोच रहे हो। फिर मैंने किस पर ध्यान दिलाया आपको, तत्व के स्थान पर आप पदार्थ का विचार कर रहे हो, बराबर है। चलो अब हम पढ़ते हैं इसको, समाधान। आप समझ गए शैली कितने प्रकार की बताई थी मैंने, मुख्य गौण और सूक्ष्म स्थूल। देखिए इसमें नहीं एक दूसरे में गौण करके भी कथन ग्रंथों में संभव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के निकट भाव वाले हैं। मामूली सा अंतर है। एक परिणमन और एक परिणमन का भाव। तत्व में क्या करते हैं, याद हुआ, तत्व में क्या करते हैं, आश्रय करने योग को खोजते हैं, आश्रय कर सकते हो त्रिकाली का। तो आप बताओ नौ पदार्थ में से ऐसा कौन सा परिणमन है जो अनादि अनंत है, आप सुनो, परिणमन सारे उत्पाद व्यय वाले हैं, नौ तत्व परिणमन वाले हैं, इसलिए नौ तत्व आश्रय करने लायक नहीं है। तो नौ तत्व हमने स्वरूप विचार किया तब हमें मालूम पड़ा कि आश्रय करने लायक नहीं है, तो फिर उसी में से हमें एक जगह ऐसी मिली जहां आपने जीव नाम लिया, जीव, तो जीव माने त्रिकाली ध्रुव, वो ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है, तो उसका आश्रय किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना, कठिन तो नहीं। एक बात और थोड़ी सी खुलासा करूं नए लोगों के लिए, खास तौर से जो स्वाध्याय करना चाहते हैं भी ध्यान से सुने। एक प्रकार से देखा जाए तो जिनागम में भूल भुलैया बहुत है, यदि सीधा सीधा लिखा हो ना तो आप पढ़ लो, लेकिन भूल भुलैया है, मुझे पता है भूल भुलैया है। ऐसा कह करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा ध्यान से समझें, आगम में जीव कहलाता है प्रमाण वाला, और अध्यात्म में जीव कहलाता है द्रव्य या ध्रुव, क्या समझे आप, आगम का जीव कहलाता है पर्याय वाला, उत्पाद व्यय द्रव्य, और आपने सुना होगा पर्याय बिना का, आपने सुना होगा पर्याय शून्य उत्पाद व्यय रहित, पंडित साहब की रचना में भी आया, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, निरपेक्ष
अहोत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन। मैं फिर से बोलूं, मैंने क्या कहा? मैं धीरे बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझे ना थोड़ा। जब आप पर्याय वाला देखते हो ना, तो आप आगम का मेल जीव ढूंढ रहे हो। आप पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो तत्व अभ्यास कराया, जो अध्यात्म बताया, वो तो पर्याय रहित ध्रुव की बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो हम उस ध्रुव की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं आहा, मेरे में कर्म नहीं, मेरे में राग नहीं, मेरे में द्वेष नहीं, मेरे में पाप नहीं, अरे मेरे में मोक्ष भी नहीं। अब आपको प्रोसेस समझाएंगे गुरुदेव के। नहीं तो आप कई लोग, मैं भी परेशान हुआ हूँ, बहुत परेशान होने के बाद ये पकड़ में आई मेरे भी। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको इस कठिनाई ना आए। गुरुदेव कहते थे मैं राग को छूता ही नहीं, मैं राग को छूता नहीं, मेरे में राग नहीं, मेरे में राग का कारण नहीं, जीव राग में नहीं। ऐसे बड़ी वो लगती थी हमें, तो ऐसा लगता था है तो लेकिन बोलो मत। आपको भी ऐसे ही लगता है तो सही, राग क्यों? राग कहाँ होता है? पुद्गल में कि आत्मा में? आत्मा में ही होता है। तो स्वामी जी क्यों कह रहे हैं बार बार है नहीं है नहीं है नहीं? अब मानो इतना कंफ्यूजन था, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता जब बैठते थे ना तो राग है तो लेकिन देखना नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं। फिर विद्वान मन क्या बोलते थे, वो भी कंफ्यूजन बताता हूँ। तो आपको भी बोलेंगे विद्वान, मेरे को भी बोलते थे उसे गौण कर दो, गौण कर दो। नहीं नहीं, अध्यात्म का जो ध्रुव है ना उसमें गौण नहीं किया जाता। गौण का मतलब है तुम्हें खबर है उसकी, हमें वो दिखता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है। नहीं समझ में? तत्व की चर्चा ही ऐसी है जिसमें हमें पर्याय दिखती नहीं है। देखो मैं सरल दृष्टांत दूं, पकड़ना, पर्याय नहीं दिखती हमें, ध्रुव दिखाई देता है। बोलो पहले आप में घटा हूं कि मैं अपने में घटा हूं? मैं आप में घटाता हूं। ठीक, क्यों क्या नाम बेटा? आर्य, आर्य प्रवचन तुम सुन रहे हो या तुम्हारे कान सुन रहे हैं? बोलो जल्दी बोलो। अब देखो क्या आया उत्तर, बोलो क्या आया? मैं सुन रहा हूं। तो तुम्हें इतनी देर से, इतने दिनों से कान नहीं दिखाई दिया, तो मैं बगल में टंगी हैं दो। बोलो तो जब ये अहम होता है ना, अहम मैं सुन रहा हूं, हमें कान दिखाई नहीं देता। बोलो इस समय प्रवचन मुख कर रहा है कि सुमत प्रकाश कर रहा है? तो आपको तो सुमत प्रकाश दिखाई दे रहे, आपको मुख नहीं दिखाई दे रहा, ये है पर्याय नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं है कि वो गौण करो मतलब रसगुल्ला गटर में गिर गया, बस गौण कर, गौण कर, खा खा। जब तूने पहले ही नक्की कर लिया कि वो गटर में गिर गया, अब तू कैसे गौण करेगा उसे? नहीं नहीं, ऊपरी पर्याय, ऊपर ऊपर है पर्याय, ऊपर ऊपर है पर्याय, बड़ी तरंगता है, ऊपर लौटती है, ऊपर ऊपर। अरे यहां से, यहां से धोखेधड़ी का काम नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया थोड़ा? मैंने ऐसा नहीं, तेरे को वह मोह राग देश है भी और तू कहता है कि हमें छूता नहीं, लेकिन आप देखो, मैं युगल जी बाबूजी की भाषा में बोलता हूँ, ये तो समझ गए ना, पर्याय नहीं दिखती, बहुत दृष्टांत बन जाएगी है ना, पर्याय नहीं दिखती। तो अब युगल जी बाबूजी बोले, सुनना ध्यान से सभी लोग, ये तो हथौड़ा गहने को लगता है सोने को नहीं, समझ में आया? आपका सोने का गहना हो या रखा गहना, तो एक हथौड़ा मारा तो सोने की पिटाई हुई या गहने की पिटाई हुई? गहना मोड़ा कि सोना मोड़ा? सोचो सुना। अब निर्विकल्प कैसे होते हैं बताता हूं। आपने 10 तोला सोना सोनी को दिया, आप घर से हार कैसे ले जाओगे 10 तोले का? कर दो ना, जो जो आप ले जाओगे, आपको नया बंगड़ी बनवानी है, हार बनवाना है, नया बनवाना है, तो आप अपने घर से पुराना सोना ले जाओगे। तो आप में से किसी की ताकत है
कि अपना हार जिसे आप 50 साल से रखते थे, 25 साल से पहनते थे, एक हथौड़ा लाओ, वो क्या कहलाती है, कुटनी, मसाला कूटने का हमाम दस्ता है, कोई की ताकत, हमाम दस्ता में अपना हार डालो, वो क्या कहलाता, कर्दोना डालो, और फिर है कोई की दम नहीं है, आज करके देखना। भाई जब आपको बनवाना ही है, बनवाना ही है, तो आप वो तोड़ेगा कि आप तोड़ो, क्या फर्क पड़ने वाला है, सोना थोड़ी टूटेगा, गहना टूटेगा, मैंने पर्याय, पर्याय का उत्पाद व्यय होगा, मैंने गहने का उत्पाद व्यय होगा, सोने का क्या होगा, अब करोगे बोलो, प्रतिज्ञा करो, सम्यक दर्शन लेना है तो। जिस दिन आपको गहना बनवाना हो, और पुराने अपने मोती हो, पुराने बंगड़ी हो, बीटी हो, ऐसी होती है ना कान का हो, ऐसा, तो आप क्या करना, पहले उसको आग में डालना। हे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, आग में डालेंगे, तो वही तो हम कह रहे हैं, ध्रुव का विश्वास निर्विकल्प होता है। आपने देखा है, आपके सामने, आपके सामने आप देखना, सोनी के पास आप गहने ले गए और आपने कहा इसका हमें नया हार बनाना है, तो वो सबसे पहले तोलता भी नहीं है, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे तोलने से कोई फायदा नहीं, तो तोलने से क्यों फायदा नहीं, कि उसमें बट्टा है, वो क्या करता है, आपके सामने भट्टी में डाल देता है, उनकी जो होती है ना, उसमें डाल देता है, और फिर वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, और नीचे वो उसकी जो बट्टा होता है ना, वो जल जाता है, फिर वो नीचे नीचे इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पानी में डाल के ठंडा करके उसे तोलता है, क्योंकि वो 24 कैरेट है, अब उसमें बट्टा नहीं, तो वो क्या करेगा, उसे तोलेगा। अब वो कहेगा, देखो साहब नोट कर लो, आप इतने ग्राम, इतना इतना तोला ये सोना है, अब तुम घर जाओ, अब आप जब आओगे तो हम इतने तोले का आपको गहना दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं आपसे पूछता हूं, जो काम सुनार कर सकता है वो आप नहीं कर सकते? अब सम्यक दर्शन का बल है, वो निर्विकल्प कर देगा, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वो तोड़ेगा तो हम तोड़ देंगे। लेकिन मैंने देखा है, मेरी मम्मी जब मैं छोटा था, 5वीं 6वीं पढ़ता था, तो एक गहना ले गई थी वो बनवाने के लिए, उस समय का दृश्य मुझे याद है। तो हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं, जैसे कोई जीव मर नहीं जाए ना, कपड़े के अंदर रखते हैं, मैंने कोई जीव कपड़े में रखे ना, मर नहीं जाए, तो ऐसे वो गहने को ऐसे पोले 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 पोले, समझते, बिल्कुल। मैंने उस गहने को इतना संभाल के ले गई, जैसे भगवान को ले जाती है, मैंने दब नहीं जाए, पिच नहीं जाए, ऐसा उसने देखा, उसने लिया और भट्टी में डाल दी, पहला झटका तो ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि को, लेकिन जिसकी तत्व दृष्टि उसे कुछ नहीं होता, एक कहना है। ऐसे यहां पर तत्व को जानने के बाद निर्विकल्प, तुम पदार्थ की एंगल से देख रहे होगे, तुम तत्व नहीं पढ़ रहे, हम फिर कह रहे हैं आप, तो आपको तत्व और पदार्थ के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा। जिस दिन तत्व समझ में आएगा, उस दिन बिल्कुल ऐसे मजा आएगा, अरे अब हमारे मोक्ष की चिंता नहीं रही, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, ऐसा निसंग हो गया। आई बात समझ में आ रही भैया थोड़ी सी? चलो आगे पढ़ते हैं, कोई प्रकरण अधूरा नहीं रह जाए, और सुनते जाना और पूछ लेना कोई बात रह जाए तो आगे देखो। तत्व में आश्रय भूत, तत्व में आश्रय भूत तत्व जीव तत्व की खोज की जाती है, मिला, खोज की जाती, बस इतना सा अंतर है। अन्य तत्व का भाव सुखरूप दुख रूप पाया जाना ही तो उन्हें पदार्थ साबित करता है, उत्पाद में होता है ना, उनकी पर्याय होती है, पर्याय तो वो या तो सुखरूप या दुख रूप, ध्यान रखना जो सुखरूप है जो दुख रूप है वो सब पदार्थ। तत्व पॉइंट पकड़ो, तत्व सुखरूप नहीं है, सुखमय है, मैं मुक्तिमय हूं, आनंदमय हूं, मैं मुक्त या सुखी नहीं हूं। आई बात समझ में आई? बोलू थोड़ा सा, बोलू समझना, पदार्थ सुखी होता है या दुखी होता है, ये तो पकड़ गया। तत्व है,
तत्व की चर्चा में है, वो होता नहीं है, है जो मात्र काली ध्रुव है। अभी सोने का दृष्टान दिया, बोलो गहना पिटता है, गहना जलता है, गहनों को गर्म करते हैं, पति आएगा तो सब कुछ हो रहा है, सोने का क्या हो रहा है? सोने का कुछ नहीं हो रहा, ये है। बराबर समझ में आएगा? अब मुझे बताओ, निगोद में भी बहुत तकलीफ हुई, आप दुखी क्यों हुए? क्योंकि अकेला पदार्थ का विचार कर रहे हो। निगोद अवस्था में जीव दुखी था, चार गति 84 लाख योनि में जीव दुखी था। दुखी था माने पदार्थ की बात कर रहे हो आप, लेकिन मैं आप बोलूं आपको, बहुत देर तक भट्टी में जलाने पर भी सोना 100% सुरक्षित तत्व है। अब अग्नि में डाल दिया ये पाप का उदय, और दूध में डाल दें तो हाँ मजा आ गया, काय का मजा आ गया, सोना बढ़ जाता है दूध में, पानी में डाल दें तो बढ़ जाता है, उसको सोने के सिंहासन पे बिठा दें तो बढ़ जाता है। यह तत्व पहले भी, आप समझते हो, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट का एक बहुत बढ़िया बात है, वो त्रिकाल, त्रिकाल को प्रेजेंट में बोलता है, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, यूनिवर्सल लॉ उसको प्रेजेंट इनडेफिनेट में यूज करते हैं। आपको मालूम है सूरज पूर्व से उगता है, उगता था, उगेगा, त्रिकाल, त्रिकाल वाचक हो गया, त्रिकाल वाचक, तो इसको उसमें प्रयोग करते हैं, मैं वर्तमान में है बोलते हैं। ऐसे ही मैं त्रिकाली हूँ, हूँ माने वर्तमान नहीं, मैं पहले भी सुरक्षित था, अभी भी सुरक्षित हूँ और भविष्य में भी। अब बताओ कौन निर्विकल्प नहीं होगा, बोलते जरा, ऐसे तत्व को जाने के बाद कौन निर्विकल्प नहीं होगा? मैं इसकी पंक्ति गाता हूँ आपको, सुनो, सुनना बिल्कुल एक लाइन में सम्यक दर्शन बोला, इसलिए तत्व को जानने वाला निर्विकल्प होता ही है, लेकिन पदार्थ को जानने वाला निर्विकल्प नहीं होता। इतना इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। एक ही रूप में कथन करते सुनते समय भी, करते सुनते समय भी, पढ़ते सुनते समय भी, मिल गया, क्या करना चाहिए पॉइंट, स्वभावगत अंतर ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी बात और बोल रहा हूं, सुनोगे, पदार्थ है ना, पदार्थ वो कारण है, और जो तत्व है ना वो, नहीं उल्टा बोल गया, पदार्थ है ना वो कार्य है, और तत्व है वो कारण है। समझ गए होगे, कठिन तो नहीं, क्या मतलब? हम तुमसे बार बार कह रहे, सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, ये हमारी भाषा है पदार्थ वाली, और आपको तत्व ग्रहण करना है, वो कारण है। सुनो अपने को ज्ञायक देखो, कैसा ज्ञायक देखो, कैसा ज्ञायक देखो, एक अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, याद रख लेना, त्रिकाल अप्रभावी, दूसरी भाषा में कहो तो त्रिकाल सुरक्षित। नहीं समझ में आया, वो 10 तोला सोना था ना, कितनी बार भट्टी में डालें कि वो प्रभावित हो जाए अग्नि से, उसके गुण कम हो जाए, वैल्यू कम हो जाए, वजन कम हो जाए, बोलो कब होगा? इसका नाम है अप्रभावी। एक गीत आपने सुना है सभी लोगों ने, मैं केवल उसको स्मरण करा रहा हूं, बोलो, परिणति से अप्रभावी हूं, परिणति मतलब कर्म, कर्म का उदय, कसाय, गति, गति समझ गए, 84 लाख, ए पंच परावर्तन, इसका नाम है तत्व। बोलो विकल्प रह कैसे जाएगा? मुझे जिन लोग कह रहे हैं विकल्प है, विकल्प है, तत्व को तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी विकल्प नहीं, नहीं जानते आप, तत्व के नाम पर पदार्थ को जानते हैं। मेहनत करना भैया, थोड़ा सूक्ष्म बात तो है थोड़ी सी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि घाट के ऊपर में इतना बारीक चल जाएगा, लेकिन चल गया हो, अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, बढ़िया मजा आया हमको अभी। फिर से एक दृष्टांत देता हूँ, और तो क्या करूँ, एक दृष्टांत ही देता हूँ, शॉर्ट में दे ना, छोटा दृष्टांत,
एक कार कार हो कार एक कार ऐसी है जिसमें स्क्रैच तक ना पड़े, मतलब ऐसी जबरदस्त कार है कि चाहे जितने एक्सीडेंट कर डालो, पहाड़ों पर से पटक दो खाइयों में, फुल स्पीड से चला करके तुम किसी से भी टकरा जाओ, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में स्क्रैच ना पड़े, इतनी अच्छी कार खरीदना चाहोगे? बोलो क्यों खरीदना चाहोगे? हैं बोलो, हाँ समझ गए, क्यों खरीदना चाहोगे बोलो? अरे पंडित जी मिल जाए मजा आ जाए, क्यों? फिर तो चाय जितने एक्सीडेंट करेंगे, चाय जितना अप एंड डाउन पे से कुदा देंगे, फिर तो हम, मैंने समझ गया ना सर। तो आपको यदि कोई सामने से गाड़ी वाला आकर ठोक दे तो आप निर्विकल्प रहोगे सविकल्प? क्यों 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 निर्विकल्प रहोगे? अब सुनो, चारों तरफ से चार गाड़ी वाले चारों तरफ से ने फंसा दी और चारों तरफ से ठोक दिया, तुम मुस्कुराओगे कि परेशान रहोगे? बोलो। अब सुनो और आगे, लादेन ने उसके ऊपर परमाणु बम पटक दिया। बोलो, आप देख रहे हो परमाणु बम आ रहा है, देख रहे हो, आपको मजा आएगा कि आपको दुख होगा? सोचो जरा, सोचो, जब एक कार इतनी सुंदर हो तो आप निर्विकल्प हो जाते हो। ये तत्व अनादि अनंत सुरक्षित है, आज तक कर्मों से कुछ नहीं हुआ, अनंत गतियां बीती हैं, अनंत अज्ञान की रातें बीती हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपन अपन कैसे जानना रो चुपचाप ऐसा जानना रो पोचा 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 समझते हो पंचर मैंने तो गया है कि तो सशक्त गया है, मैंने तो तत्वी चर्चा करे तो वीर रस में कर, मैं भगवान मोक्ष जा रहा हूं ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? कैसे बोल रहे हो? तत्व देखो ना, तत्व कहते किसको? पर परिणति से अप्रभावी हूं। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है आप तत्व के ऊपर सोचो और लिखो, मेरे हिसाब से तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्का मोक्ष में मिले ऐसी बात है। स्वामी जी का बड़ा उपकार है, तत्व उन्होंने खोल के दिए, नहीं सब पदार्थ की चर्चा चलती थी, मुझे पता है। अभी मैंने कहा है जो लोग ऐसे, मेरी बुआ जी थी, बहुत बुजुर्ग थी, सबसे बड़ी थी, मैंने मेरे पिताजी से ही बड़ी थी, तो सबसे बड़ी, उनको तत्व की रुचि थी, रुचि मैंने सोनगढ़ जाते थे सब, तो मैं तो बच्चा था उनके सामने, लेकिन फिर जब मेरी भी रुचि हुई, पढ़ाई पकड़ आ गई ना, तो एक बार मुझे अच्छी तरह से याद, मैंने उनसे खूब तत्व चर्चा की, बहुत खुश हुई वो, बहुत खुश हुई, बड़े एकदम लॉजिक से बड़ी खुश हुई। तो फिर मैंने कहा तो अब तो आप संतुष्ट हो, अब तो आपको सम्यक दर्शन नहीं करना, बस यही उनकी हवा पंचर हो गया टायर, ऐसे थोड़ी उससे क्या, त्रिकाली ध्रुव तो ये केंद्रीय भी है, झाड़ में भी है, पानी में भी, उससे क्या कीमत, तो उसी की है जो उसका अनुभव करे। मैंने एक चर्चा में पानी फिर गया, मैंने अनुभव क्या चीज होती है, जो ज्ञान में तुम्हें इतना स्पष्ट जानने में आ रहा है, यही अनुभव है, ज्ञान गुण की पर्याय है अनुभव। अब निश्चिंत होगी जब अभी कार के बारे में जानकर निश्चिंत हो सकते हो, सोने का दृष्टांत दिया, बोलो अभी अगली बार गहना बनवाने जाओगे तो बीटी तोड़ लोगे कि नहीं तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे, अभी भी नहीं तोड़ पाओगे? हाँ, ये निश्चिंत सम्यक दृष्टि, दोष के ही जाना, बिल्कुल कसम है, अग्नि में डाल के ले जाना, बिल्कुल है, अपना अपना पर्याय का उत्पाद भी होता है, ध्रुव का क्या बिगड़ता है? ऐसे अनादिकाल की जितनी पर्याय गुजरी हैं, बाबूजी की सुंदर भाषा है, बाबूजी को जिन्होंने देखा सुना होगा, बाबूजी बड़ी सुंदर, इतनी प्यारी भाषा बोलते हैं, छोटी छोटी भाषा, बोलो, बहुत छोटी है, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता, इतना शॉर्ट, बहुत कुछ बीता है हमारे ऊपर, बहुत कुछ बीता है, बहुत कुछ, ये तो समझते हो बीता है, बहुत गुजरा है, लेकिन किंचित नहीं रीता, इसको तत्व कहते हैं। भाई बात समझ में आई भैया? अपने घर में तिजोरी है, शॉर्ट में दृष्टांत, तिजोरी अपने घर में, और
उसमें खजाना है सारा, और डकैत आ गए, डकैत आ गए। उन्होंने बहुत ट्राई की, बहुत ट्राई की गैस कटर से ताला तोड़ने का, ऐसा वैसा सब कुछ किया, लेकिन इन द एंड ये हुआ कि वे उसे नहीं खोल पाए। तो अब आपको डाकुओं में घुसने का कितना दुख है? अभी बोलो क्यों? आठ आठ डाकू थे और क्या हालत कर दी उत्पाद पे, देखो जरा तिजोरी की। देखो कुछ भी हो पंडित जी, मेरा खजाना सुरक्षित है। जैसे हम तिजोरी सुरक्षित देख करके निश्चिंत निर्विकल्प हो जाते हैं, ऐसे ग्राहक पूरा का पूरा अनादि काल से सुरक्षित है। अब इसके बाद भी रोए तो देर मिला मिला के, बस अब फिर सुरक्षित है, अब काहे नहीं रो रहे? नहीं नहीं पंडित जी, बात तो ठीक है, लेकिन डाकू आए तो आए क्यों? अरे आ जाने दे, नहीं सुरक्षित है ना। ऐसा एक तत्व है। चलो अब फास्ट स्पीड से चलते हैं ना, बहुत रह जाएगा नहीं तो। इसलिए समाज में सात तत्व की पढ़ाई तो होती दिखती है, परंतु नौ पदार्थ का नाम पाठ प्रत्यक्ष से लिखने पढ़ने में नहीं आता। लेकिन आप समझ जाना कंफ्यूजन क्यों खड़ा हो रहा है। तत्व के नाम पर पदार्थ की ही दृष्टि होती है, और तत्व जिस दिन समझ जाओगे आपको एक सेकंड में मजा आएगा, एक सेकंड में कुछ नहीं बिगड़ा, बस खत्म। आगे देखिए, एक नीचे वाला अपने पढ़ लिया था, सो एक अंतिम देखिए, बारहवीं संख्या है। द्रव्य को द्रव तरीके से जानने की क्या आवश्यकता है? द्रव्य को द्रव तरीके से जानने की क्या आवश्यकता है? अभी द्रव का प्रश्न खड़ा किया है, अभी तक अपने पदार्थ और तत्व की मुख्यता से ज्यादा प्रश्न थे, ये थोड़ा द्रव की चर्चा है। तो कार्य होते समय छह द्रव्य कार्य करते हैं, वहां जीव को पांच द्रव्यों देहादि से भिन्न पहचानने के लिए जीव जाति को द्रव से जानना चाहिए। पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें सुख ज्ञान दर्शन आदि शरीर धन आदि में नहीं है, देह की क्रिया में भी नहीं है, अन्य जीव भी मेरी तरह जीव है, इससे चरणान योग अहिंसा विश्व बंधुत्व की सिद्धि होती है। एक थोड़ी सी बात कहना है, ये तो समझ गया ना, इसमें कोई कठिन तो नहीं, पहले ही दिन अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। आप बोलते तो हो कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, सब मानते हो? तो सम्यक दर्शन हो गया फिर? नहीं मानते, ये मुझे कहना है। जब आपको लगता है देखी क्रियाएं करके आपको लगता है कि चलो कुछ तो पुण्य हुआ, चलो कुछ तो धर्म हुआ, चलो रत्नत्रय हो गए, यदि आपको धर्म की जरा सी भी गंध आती है ना देह की क्रियाओं में, तो आप जीव द्रव को नहीं पहचानते। पुद्गल में ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, और पुद्गल की क्रियाओं में भी ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, और पुद्गल की क्रियाओं से भी आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? हाँ, पुद्गल में नहीं माने शरीर में नहीं है, और शरीर की क्रियाओं में भी नहीं ज्ञान दर्शन सुख, और शरीर की कितनी भी क्रिया कर लो आत्मा का ज्ञान दर्शन सुख किंचित नहीं है। इस निर्णय का नाम है द्रव का निर्णय। आपका जीव द्रव का निर्णय भी गड़बड़ है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आपने 1 करोड़ रुपए मंदिर में दान दिया, बोलो आपको नहीं लगता आई एम स्पेशल धर्मात्मा? कोई बात नहीं, बोलो नहीं लगता स्पेशल धर्मात्मा? आज अपने को स्पेशल वो मिलना चाहिए रिस्पॉन्स समाज में, नहीं मिलना चाहिए क्या? बोला हा हा, तो ये ऐसा विचार करना, माने इसमें द्रव का ही निर्णय गड़बड़ है आपको। आप जीव और पुद्गल के निर्णय को नहीं कर पाए आप, ऐसे बस चारों लगा लेना, करता तो भोगता तो एकत मम, चारों लगाना है देह में, बराबर। मैं भी देखता हूँ ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक 13वीं संख्या और देखो, इसमें 13 माने मेरे में 13 है, लेकिन उसमें नंबर शायद अदल रहा है। हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण तीव्र उदय उदीर्णता तो जीव को प्रभावित करते हैं ना। एक कर्णानी की तरफ से प्रश्न खड़ा किया है, समाधान। कर्म के 10 करण में मात्र जीव के लेस्या मिथ्यात्व परिणाम निमित्त होते हैं, लेस्या परिणाम निमित्त होते हैं। जिसे आप परिणाम कहते हैं वह लेस्या है,
परिणाम और लिस्ट में एक ही चीज़ है। कर्म के 10 करण समझते हो, बंद स्थिति उदय उपशम क्षय उपशम ये सब है ना, ये देख लेना उधर। तो इनका जीव पर कोई असर पड़ता है कि नहीं? कर्म के 10 करण में मात्र जीव के लेश्या मिथ्यात परिणाम निमित्त होते हैं, कर्म की तरफ से जीव पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात मैंने क्यों उठाई है, थोड़ी लंबी है चर्चा तो, लेकिन समय हो रहा है इसलिए इतनी लंबी नहीं करूँगा। लोगों को क्रमबद्ध पर जितने क्वेश्चन खड़े होते हैं ना, वो यहीं से खड़े होते हैं। पहले अपन ने 100 साल की आयु बांधी थी, फिर 80 साल में मर गए, तो 20 साल में मर गए, तो फिर क्रमबद्ध का क्या होगा? उत्कर्षण कर लेंगे, पहले हमने इतना सा क्रम बांधा था, उत्कर्षण कर लिया, तो फिर क्रमबद्ध का क्या होगा? तो उसका जवाब है ये कि सुनो, क्रमबद्ध इससे अप्रभावी रहता है। क्रम में ही उत्कर्षण अपकर्षण होते हैं, कोई ऐसे नहीं होते अलग से नहीं हो जाते, क्रम में ही होते हैं, बराबर। अभी फिर से, कर्म की तरफ से जीव पर कोई असर नहीं पड़ता, कथन शैली की पराधीनता या प्रसिद्धि के कारण भ्रम हो जाता है। किसी भी दशा में जीव पराधीन, हाँ पराधीन होकर नहीं परिणमता, किसी भी कंडीशन में जीव कर्मों के पराधीन नहीं होता। वहाँ उत्कर्षण हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ अपकर्षण हो गया, यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों की स्वतंत्र योग्यता है, एक ही काल में होने के कारण तुमको भ्रम हो जाता है। फिर हम बता रहे, आत्मा के परिणाम अव्यक्त हैं और वो व्यक्त दिखाई दे जाता है, व्यक्त माने पकड़ में आ जाता है, इसलिए तुम्हें भ्रम हो जाता है, बराबर। इसकी चर्चा आप कर लें। फिर अंतिम इसमें औपचारिक सत्य क्या होता है, औपचारिक सत्य समझते हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो 0.001% बोला जाता है, जो असली सत्य। जैसा अभी हमने बताया ना आपको तत्व, मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि जिन्हें सम्यक दर्शन लेना वो बैठो, बाकी सब जाओ 15 मिनट के लिए। मैं केवल तत्व की बात करूँ बस, और तत्व पे ही बायो डायलॉग हो दोनों तरफ से, या तो आप हार के जाओगे, नहीं तो मैं हारूंगा। मैं तो नहीं हारूंगा फिलहाल। मैंने आप ऐसे मेहनत करा, तत्व को पकड़ने की कोशिश करो ना। सम्यक दर्शन के नाम पे अपन कल्पना ही करते हैं, इसे अपन खाने पीने की लिप्स आए ना, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, झूठ बोलते हो। तो मेरे प्रवचन थोड़े उल्टे लगेंगे थोड़ी देर के लिए, तुझे एक लड्डू अच्छा लगता 4 खा ले, सम्यक दर्शन कर, नहीं सुना आपने? तो एक शादी करने की 10 कर ले जा, चाह सम्यक दर्शन कर। मैंने तुम कहाँ से लगा रहे होगे, तुम्हारी लिप्सा है, कमाने की लिप्सा है, फलाका है, ये कुछ है ही नहीं, केवल तत्व को नहीं जानता बस। जैसे सोने का दृष्टांत दिया, अभी अप्रभावी कार का दृष्टांत दिया, सुरक्षित तिजोरी का दृष्टांत दिया, आप उस वस्तु को पकड़ो ना जो अनादि अनंत हर पर्याय में सुरक्षित है। अब सम्यक दर्शन के लिए क्या फायदा है इसमें बता? लेकिन वो हमें मालूम है, वो फिर अनादि का अभ्यास है पर्याय का, पदार्थ का, इसलिए कहा है पज्जय मूढ़ा ही पर समय। अब इस एंगल से गुरुदेव के प्रवचन रोज सुनना आपको, इसकी ध्वनि मिलेगी, बराबर। तो फिर पंडित जी, हम सब आज सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तुम्हें तत्व का भरोसा नहीं है, सम्यक दृष्टि होने पर अभी भी नजर है। नहीं समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? आपको कैसे मालूम बाई दे सब हो गए हुए? तो कि जो जिसका ये प्रश्न है कि हम सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए, पक्के में मिथ्या दृष्टि है। एक स्टोरी है छोटी सी दृष्टांत समझाने के लिए। एक 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 व्यक्ति ने मुनिराज को आहार दान दिया, तो उसके यहाँ रत्न वृष्टि हुई। तो पड़ोस में एक कंजूस रहता था, कंजूस बनिया रहता था। ये बहुत बढ़िया, 500 रुपये का माल खर्च करो और 5 करोड़ के रत्न बरसे। बोलो बिजनेस सस्ता है कि महंगा है? बोलो, समझ गए क्या कह रहे हैं? तो उसने भी फिर मुनिराज को पड़ गया। अगले दिन वो ही मुनिराज उसके यहाँ भी आए, आहार की स्टार्ट हो गया। अब उसको मुनिराज के आने पर मुनिराज को आहार दान देने का आनंद नहीं आ रहा था, मुनिराज को पड़गाने का आनंद नहीं आ रहा था। उसे बार बार नजर विंडो के बाहर जा रही, कहीं गिरा कि नहीं,
अब उसका आहार देता जा रहा है ना, उसको ऐसा लग रहा है 500 रुपये बेकार ना चले जाए। आखिरकार उसके यहाँ नहीं गिरे। पड़ोसी के यहाँ गिर गए, इसके यहाँ नहीं गिरे, तो अब वो तो कंप्लेंट करे ना बेचारा। मुहिराज से कंप्लेंट की उसने कि साहब आप बहुत धोखेबाज हो। कल आप इनके घर आए थे तो वहाँ रत्न बरस गए, और मेरे यहाँ तो आपने कुछ भी नहीं बरसाया। दृष्टांत है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरी कल्पना है केवल। बोलो भाई क्यों नहीं हुआ होगा, बोलो क्यों नहीं हुआ, बोलो क्यों नहीं हुआ। वो जो आहार दान दे रहा था उसकी निष्प्रहता थी, उसे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे तत्व को हम तत्वपने स्वीकार करें, हमें सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए तो सम्यक दर्शन होता है। आई बात समझ में आ रही? आप क्यों चाहते हो कि कुछ हो जाए, क्यों हो जाए? हूं मैं, होना क्या हूं ना। स्वामी जी ऐसी भाषा बोलते थे बड़ी, त्रिकाड़ी नहीं हयाती, होनी हकार लाने। क्या बोलते थे? होनी हकार लाने। वैसे की भाषा बोलो, जाग तो जी वो छे थे क्या जाए, वो छे ने, वो छे ने। तो अब अभी वही भाली मैंने जो चर्चा उठाई पकड़ना, अपने पदार्थ की तरफ से सोचते नहीं क्या है कहाँ है, इतना तो राग, इतना तो विकल्प है, इतना खाने पीने की आकुलता है, मुश्किल है, मुश्किल है जी, गड़बड़ है। नहीं नहीं प्रभु, तू साक्षात परमात्मा है। परमात्मा मतलब अनंत सिद्ध तो बहुत छोटे परमात्मा है, वो तो सादि अनंत परमात्मा है, तू अनादि अनंत परमात्मा है, उसका नाम तत्व है। अनंत सिद्ध भगवान तो तत्व नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, अरण सिद्ध भगवान तत्व नहीं है, वो पदार्थ है, और मैं तत्व हूँ, मैं पदार्थ का जनक हूँ, मैं अरण सिद्ध का जनक हूँ। इतनी महिमा के साथ अपनी महिमा आए तो सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन करना ही नहीं कभी। आई बात समझ में आई? बोलो भाई शक्कर कैसी होती है, क्यों नरक के डर से बोला कि मोक्ष के लोभ से? बोलो बोलो क्यों बोला? नरक के डर से बोला कि अपन झूठ बोलेंगे तो नरक का पाप लगेगा, अपन क्यों व्यर्थ में पाप करें, नहीं पाप नहीं करना इसलिए। अच्छा सब लोग बोलेंगे ओहो अरे कितना सत्यवादी है, देखो इतना अच्छा लड़का नहीं देगा, इसके लिए बोला? अरे शक्कर मीठी है तो मीठी बोल दी, इसमें अपन कुछ सोचते नहीं है। ऐसे तुम परमेश्वर हो क्यों? समय सारजी में लख्यू छे। समय सार में लिखा है इसलिए तुम त्रिकाड़ी हो, गुरुदेव ने फरमाया इसलिए हो, समय सार जी में लिखा इसलिए, इसलिए नहीं हो, हूँ भाई इसका निर्णय करो, हो कि नहीं त्रिकाली गायक हो कि नहीं, तो बस खत्म। मैं मेरी चर्चा उज्जैन में भी हुई, एक साल हो गए, बहुत साल हो गए, पता नहीं 20-22 साल हो गए, तो मैं ऐसे जम के बोल रहा था उस समय भी, तो ये किसी ने कहा कि फिर आपको मोक्ष जाने की जल्दी नहीं? मैंने कसम है जो मोक्ष जाऊं ऐसा बोला मैंने, कसम है जिनवाणी साक्षी जो मैं मोक्ष जाऊं, यदि संसार मुझे रख सकता है तो रख ले, लेकिन मुझे पता है जो गाय की हाँ करता है ना, चार गति उन्हें रखने पसंद ही नहीं करती, चार गति उन्हें लायक नहीं करती, मोक्ष ही जाए वो जाए क्या। मैंने उस समय बोला था रियली, चार गति में मजबूरी में धक्के खा के मोक्ष जाना पड़ता है उसे, हमने मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन नहीं लिया है उसे स्वीकार किया है, त्रिकाल है उसी उसकी स्वीकार करी, कोई ऐसा नहीं किया, कोई सम्यक दर्शन कोई हम इसके लिए नहीं कर रहे, कोई मोक्ष के लिए नहीं कर रहे। अभी शक्कर का दृष्टांत दिया, ऐसे सब बनाना दृष्टांत दस, ये मेरी माँ है, क्यों क्यों कह रहे हो माँ, ऐसे है बस खत्म, क्यों कोई तुम्हें ऐसे जवाब दोगे? पंडित जी ये मेरी माँ है। मैंने कहा क्यों? आप देखो मेरे पापा के साथ इनकी शादी हुई थी। ऐसे बोलता है कोई? आप वीडियो देखो, आप फोटोग्राफ देखो, आप फला देखो, और सारी दुनिया कहती है, मेरी मम्मी कहती, दादी कहती, पापा कहती, अरे इतने लंबा जाने की जरूरत क्या है, कौन कौन कहता है सुनना सभी लोग। देखो मैं दृष्टांत हंसाने के लिए नहीं, आपको यदि ये लगता है ना हूँ त्रिकाड़ी छू,
क्यों? अब मेरा प्रश्न क्यों? क्योंकि गुरुदेव फरमावे छे, नहीं, नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, क्योंकि आप स्वानुभूत नहीं बोल रहे हो, आप परानुभूत बोल रहे हो। बोलो, आप ऐसा कहते हैं मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरे 10 पड़ोसी तो कहते ही मम्मी है। 10 पड़ोसी से क्या लेना देना, वो आधार कार्ड पे लिखा है इसलिए। सुना, आपको पता है आप कभी इसके जवाब नहीं देते, ये कौन है आपकी कि मम्मी है, तो है बस खत्म, क्यों का जवाब हमें नहीं देना है बस। अब ना कार्ड याद आता ना कुछ याद नहीं आता। मैं जिस दिन आपको ऐसा लगे हूँ, ग्रंथों की महिमा नहीं आए, अपनी डायरेक्ट महिमा आए, गुरुदेव हो कि आचार्य कुंदकुंद हो कि महावीर भगवान कोई हो, हमें उधर से नहीं लगे, इधर से लगे, बस समझना उसी दिन काम हो गया है। लड़ाई है, बड़ी लड़ाई हो, अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पदार्थ के चंगुल में से निकलना मुश्किल है। ये मोह है ना, मोह, ये मोह है ना, उसे निकलने नहीं देता। आप के, मैंने सब सुना भी थी, सब बोल देते हाँ हम त्रिकालिए ऐसे हैं, लेकिन वो पढ़ाई वहीं रहती है, कुछ होए तो मत हो, नहीं चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने तो इतनी बढ़िया भाषा लिखी, बुलंद भाषा, मानो क्या लिखी, बुलंद भाषा, यदि इससे भिन्न अनुभूति हो तो हमें नहीं चाहिए। कितनी बड़ी ताकत होगी, इससे भिन्न कोई अनुभूति हो तो हमें नहीं चाहिए। और एक जगह क्या लिखा प्रवचन सार जी में, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या बोला है, मति व्यवस्थित हुई है, वस्तु तो व्यवस्थित अनादि अनंत है, उसका नाम तत्व है, अनादि अनंत व्यवस्थित तत्व का नाम तत्व है भाई साहब, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसा तत्व है जोरदार। चलो तो थोड़ी 2-3 लाइन और पढ़ लेते, औपचारिक सत्य समझ में आए। अब जिन वाणी में 99.99% कथन औपचारिक है, औपचारिक माने मानने लायक नहीं, अनुभव करने लायक नहीं, बहुत बड़ी मेहनत है, जिनवाणी पढ़ना आसान नहीं है। आप औपचारिक सत्य को परमार्थिक सत्य मान लोगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो कैसे कही जाती है वो देखो, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव सापेक्ष कथन, ये औपचारिक सत्य कथन कहलाते हैं। शॉर्ट में लिख दिया, पर द्रव्य सापेक्ष, पर क्षेत्र सापेक्ष, पर काल सापेक्ष, पर भाव सापेक्ष, जितने कथन है वे औपचारिक सत्य हैं। बोलो, आत्मा के अनुभव करने से कर्मों का क्षय होता है कि नहीं होता है? बोलो, शुद्ध उपयोग से कर्मों का क्षय होता है कि नहीं होता है? ये औपचारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। उनकी योग्यता में उनका काम होता है, हमारी योग्यता में हमारा काम होता है, उधर क्या होता है, हमें लेना देना नहीं होता है, हमें कोई लेना देना नहीं। समझ में आई, ऐसी सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। तो हम जो पढ़ते सुनते हैं औपचारिक सत्य ज़्यादा सुनते पढ़ते हैं। अब ये तो मेरे से आप पूछोगे तो मैं बता दूँ, एक एक सेकंड, देखो ये औपचारिक सत्य है, ये औपचारिक सत्य है। और अब औपचारिक सत्य में से पारमार्थिक सत्य में आ जाना, ये पुरुषार्थ। आई बात समझ में? थोड़े और आगे चले थोड़ा सा इसमें, एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए अगली लाइन, जिन्हें सिद्धांत कोष पृष्ठ 211, बड़ी अच्छी बात मिली। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी उंगलियां एक बार देखो, यहाँ द्रव्य की चर्चा है, यहाँ क्षेत्र में गुण की चर्चा है, और यहाँ पर्याय की चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय, और यहाँ तत्व की चर्चा है। इन तीनों के बीच में सुरक्षित, याद रहेगा, ये द्रव्य क्षेत्र में गुण पर्याय, और इन तीनों में सुरक्षित एक तत्व है, उसका नाम तत्व, इतना याद रखो, इतना सिंपल। अब देखो इसमें क्या लिखा मिला, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे लास्ट पेज है, मिला आया, हाँ, कितने बढ़िया लाइन मिली, देखो मजेदार। देखो, यदि ये मेरे पास आधार नहीं होता ना तो ये बात मैं कह नहीं सकता था, द्रव्य गुण पर्याय और सुरक्षित तत्व, चार्ट हमारा तैयार हो गया। देखो कितना चल, जिन्हें विविध गुणों एवं पर्यायों के साथ अपनत्व है वे अस्थि काय है। जिन्हें गुणों के साथ अपनत्व है, अपनत्व ना जिसका आधार है, वहां पाया जाता, वहां रहता है, और गुणों की पर्याय जहां रहती है, तो जहां रहती है मैंने वो आधार मैंने अस्थि काय, कि जिनसे तीनों लोक निष्पन्न है, तीनों लोक निष्पन्न है मैंने छह द्रव्य अस्थिकाय वाले, अपने अपने में गुण में रहने वाले, छह नहीं 5 अस्थिकाय, ध्यान रखना। आगे और भी पढ़ लेना आप, छोटी छोटी बातें, एक काम की बात और पढ़ेंगे अपन, बहुत सुंदर है, नीचे थोड़ा नीचे चलेंगे अपन, प्रयोजन, प्रयोजन देखा,
प्रवचन सार जी की 136 नंबर की गाथा में इसका प्रयोजन दिया है। स्वय शुद्ध जीवास्ति का ही उपादेय है, शेष सब हे है। शुद्ध जीवास्ति का ही उपादेय है। उपादेय माने अनुभव करने लायक नहीं, जानने लायक। क्यों, आपको याद है तत्व ही उपादेय है, बाकी सब जाने जाने हुए प्रयोजन बनाने। बराबर है, विचार करना है। और कोई विद्वानों की नज़र में कोई चूक आए तो जरूर प्रेम से बताना, प्रेम से नहीं ऐसे भी बताओगे तो चलेगा। मैं तो करेक्शन कर लूँगा, मुझे क्या करना है, मैं करेक्शन करूँगा, लेकिन मेरा प्राण है। हाँ ये कोई भी मुझे इसके खिलाफ ला के माल दो, इसके खिलाफ दोगे तो चलेगा, चेंज कर दूंगा, लेकिन इसे चेंज नहीं करूंगा। ये तीनों का सुरक्षित तत्व है, ध्रुव तत्व है, ज्ञान तत्व है, भगवान तत्व है। इसके सामने तो अरण सिद्ध इधर है, इधर नहीं है, इसके भूलने पर गड़बड़ हो रही है। आज तो टाइम भी हो गया ना, लेट हो गया अपन, चलो 10 मिनट ऊपर हो गए ना, 5 मिनट और ले लूं, कोई बात नहीं, चलो। अच्छी बात है, यदि मैं नहीं कहूँगा तो शायद कुछ चीज़ छूट जाने का मुझे दर्द रहेगा, आपको नहीं रहेगा ये पता नहीं, लेकिन मुझे रहेगा, इसलिए मैं अपने दर्द का निवारण करता हूँ। तत्व पढ़ा रहा हूँ, 7 तत्व नाम तो सुने ही सबने, 7 तत्व, मेरी 5 उंगलियों पे 7 तत्व, बहुत सुपर फास्ट पढ़ाऊँगा, 1 घंटे का माल 5 मिनट। हाँ भाई देखो, आप बाद में मेहनत करना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद यदि मोक्ष नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मोक्ष की ओर नहीं देखना, लोभ नहीं, लोभ नहीं करना, ये ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा आपको, पदार्थ में से निकलना पड़ेगा आपको। चलो देखो, सभी लोग देखो, मैं जीव हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन सर्वस्व मेरे में है। अब जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो सब अजीव है। बराबर, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में ये जीव, बाकी सब मैं अजीव। बराबर, ज्ञान दर्शन नहीं इसलिए, लेकिन मैं अपना ज्ञान दर्शन अपने में नहीं मानता हूं, इसमें मानता हूं, इसलिए आश्रम बंद खड़ा हो गया। अपना ज्ञान दर्शन अपने में नहीं मानता, अपना सुख अपने में नहीं मानता, इसलिए आश्रम बंद खड़ा हुआ। और जैसे ही अपना ज्ञान दर्शन अपने में मान लिया तो संबल इधर खड़ा हो गया, और अपने ज्ञान स्वभाव में मग्न हो गया तो मोक्ष हो गया। बोलो अब क्या कठिन है इसमें, पूरी पढ़ाई हो गई। अब सुनो, ज्ञान दर्शन है तो इधर, लेकिन मानता इधर है, इसका ही नाम आश्रय बंद है। जब भी सुख ढूंढना है तो अच्छी मकान, अच्छा दुकान, अच्छी बिल्डिंग, अच्छा सोना चांदी, तो इज्जत आबरू, और इज्जत आबरू आज तक कोई हुई नहीं, केवल बेवकूफ लोग कुछ कहते ना तो बहुत अच्छे लगते हो, जो हमें पहचानता तक नहीं वो बोलता है। उसको अपन इज्जत आबरू मानते हैं, धोखा है सारा का सारा। बराबर समझ में आया, तो ए जीव ए अजीव। बराबर, अब इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें थोड़ी कुछ करना है अपने को, ये आश्रय बंद, ये संबंधित रही मोक्ष, इनमें कुछ नहीं करना है। गलती कितनी सी निकली है अपने पास कि मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, लेकिन अपने में नहीं मानता, इसलिए खड़ा हुआ, और अपने में मानने लगा तो संबंधित रह होगी, और अपने में रम गया तो मोक्ष हो गया। इतना सुंदर 7 तत्व हो गया, तो एक ही बचा कि नहीं 7 तत्व में, अब एक तत्व जाने लगे कि 7। अब जी मेहनत का काम है, थोड़ा गरिष्ठ मार रहे, इसलिए मैं कहता हूँ लिख के करो, मुझे पता है आपको आदत में नहीं, लिख के करो। लड्डू खाओ उससे पहले भेद विज्ञान कर, आ लड्डू छे, आ हूँ छू। मारू ज्ञान दर्शन सुख मारा मा छे, लड्डू मा नथी। अब जेटलू उपयोग लड्डू मा सुख माने छे, तेटलू आसर बंद थाई छे। और जेटलू यह माने उतना संबंध जरा हो जाएगा, और जारे लड्डू का भाव ही खत्म हो गया है, लड्डू भी भिन्न है, हमें कोई मतलब, जिस दिन हम अपने में रम जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। इतना इतना सिंपल काम है। लड्डू में तो कर लोगे, ऐसे ग्रंथ में भी करना पड़ेगा। आ हूँ छू आ शास्त्र छ, आ हूँ छू आ परमात्मा छ, परमात्मा पण अजीब छ, आ हूँ छू ऐसे ऐसे करो। थोड़ा थोड़ा मंदिर में जाओ, सबसे पहले ऐसे खड़े हो जाओ,
स्वाध्याय चालू। अब इतना सरल है करना तो कर। जैसे किसी को दृष्टांत है, अपन अपन सब लोग बैठे भजन प्रतियोगिता हो तो कितना आश्रम बंद होता है, मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, इनने तो इतना अच्छा गा दिया, ये भगवान मेरा भजन। अरे तू है, तू ये है कि ये है, ये भजन हम नहीं है और भजन की प्रसिद्धि हम नहीं, लेकिन भजन की तरफ जितनी आकुलता है वो आश्रम बंद है। सुना, मैं इसे जीतने के लिए नहीं आए, मेरा ज्ञान दर्शन का आनंद हम लेंगे, हम इसका आनंद नहीं लेंगे, निपट गया, संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा। इतना सुंदर शॉर्ट एंड कहा आपने, बराबर से चलूँगा आगे, मोक्ष जाना है, मतलब कहने में कैसे आए। अब इन तीन को हटा लो, अभी अब दो बचे, एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है ना, फर्क है, ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा, अजीब दिखाई देता है पुद्गल आदि, ये दिखाई देता है, बस तुम्हारे उपयोग को तुम्हें खुद देखना है, इस तरफ जा रहा है इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो आश्रम बंद, इस तरफ जा रहा है तो सब मने जा रहा है, और यहीं रुक गया तुम मोक्ष, फिर दो में खत्म होगी कहानी, बराबर। उपयोग यहाँ क्या करता है, वो पेंडुलम, उपयोग कैसा है यहाँ पर, पेंडुलम, अपना सुख अपने में मानता है, इस तरफ आ जाए तो संभर में निर्जरा, इस तरफ जाता है उतना उतना आश्रम बंद, उतना उतना सम्यक दृष्टि हो तो भी इधर जाता है तो उतना उतना आश्रम बंद है, फिर यही ठीक हो गया, मोक्ष हो गया, बराबर है। अब इन दो की लड़ाई तो चलेगी, अभी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी है, आप लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो तो लड़ो, बस फिर काम हो जाने वाला है, बराबर है। बात गुरुदेव की महिमा आती है, आप लोग पढ़ना स्वाध्याय करना बेटे, सच कहूँ आपको, मुझे आज तक अरबपतियों से प्रेम नहीं हुआ और गरीबों से ऐसा नहीं लगता कि अरे तेरे भाग में पैसा नहीं है, लेकिन जो शुद्धात्मा से प्रेम करते हैं उनसे मुझे बहुत प्रेम है। मेरे नाम इसलिए मेरे मुंह से नाम नहीं निकलते, एक का नाम लो दो का नहीं लो, फिर वो कोई कहे ये हमको पंडित जी नहीं जानते, फिर वो हमारे कान में 24 तीर्थंकर की बजाय अपना नाम फूकेंगे। तुम्हारा नाम हम क्यों लें, आप तो शुद्धात्मा हो, ये अनुभव कर, बाकी टाइम खराब नहीं करो भैया। एक बहुत अच्छी नीति है, सूक्ति है, जीवन इतना छोटा है, शरीर की तरफ से कह रहे हैं, जीवन इतना छोटा है, इसमें गलती करके सीखने की कोशिश मत करो, दूसरों की गलतियों से शिक्षा ले लो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कर खूब स्वाध्याय करना, शिविर में आना, जो बताइए आपको बात, कहना तो बहुत है लेकिन सब कुछ कहने का आनंद बस इसमें है, तत्व में जो आपको पढ़ाए ना तत्व, इसे ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।